वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। दोस्तों आप सभी का करंट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपको हमारे इस चैनल में करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों 9 जनवरी 2019 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे उन सब का हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैं क्वेश्चंस के साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताता हूँ, आप उनको ज़रूर नोट किया करिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्रमुख और वरिष्ठ IPS अधिकारी कुमार राजेश चंद्र को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया। दोस्तों ये बिहार कैडर के 1985 बैच के IPS अधिकारी चंद्रा वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के महानिदेशक हैं और ये इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की आखिरी तारीख तक रहेगा। ये तब तक SSB के महानिदेशक रहेंगे। दोस्तों SSB की बात की गई है तो सशस्त्र सीमा बल SSB की स्थापना 1963 को की गई थी। दोस्तों SSB जिसमें लगभग 80,000 कर्मचारी नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमा की रक्षा करते हैं। किस देश के राजा सुल्तान मोहम्मद पंचम ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले पहले सम्राट बन गए? तो दोस्तों मलेशिया के राजा मोहम्मद पंचम ने सिंहासन पर 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद पद छोड़ दिया है। यह पहली बार हुआ है कि एक सम्राट अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही अपना पद छोड़ा हो। राजा का इस्तीफा तुरंत प्रभावी हुआ है। 1 सप्ताह पहले 49 वर्षीय राजा ने 2 महीने के चिकित्सा अवकाश पर खर्च करने के बाद कर्तव्यों को फिर से शुरू किया था। दोस्तों मलेशिया की बात की जा रही है तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, यहाँ की राजभाषा मलय है और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद हैं और यहाँ की मुद्रा रिंगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली के शोधकर्ताओं ने रक्तचाप कम करने में स्पिरुलिना नामक सुपर फूड की भूमिका की पहचान की है। स्पिरुलिना का निर्माण किससे किया जाता है? तो दोस्तों इटली के शोधकर्ताओं ने रक्तचाप कम करने के लिए स्पिरुलिना नामक सुपर फूड की भूमिका की पहचान की है। यह शैवाल से निर्मित होता है। इसमें SP6 नामक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जो कि परीक्षण के दौरान जानवरों के नाड़ियों को रिलैक्स करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों कौन सा प्रोटीन होता है इसमें? SP6। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों 15-16 जनवरी से मुंबई महाराष्ट्र में पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दोस्तों 15 दिनों तक चलने वाले ग्लोबल एविएशन सम्मेलन 2019 में फ्लाइंग फॉर ऑल विषय के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा फिक्की के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सभी के लिए उड़ान फ्लाइंग फॉर ऑल के उत्सव पर ध्यान केंद्रित करना और नए विकासशील क्षेत्रों में क्षेत्र की चुनौतियों का प्रदर्शन करने के लिए विमान बिरादरी को एक मंच प्रदान करना और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित नवाचार भविष्य में हवाई यात्रा को परिवर्तित से बदलने का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2018-19 में किसे मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में खेले गए भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2018-19 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब चेतेश्वर पुजारा को मिला है। दोस्तों भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज में हराया है। इसमें भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली थे, भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष CK खन्ना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ये मनोहर मनोज की पुस्तक है। दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह द्वारा किया गया है।
6 जनवरी 2019 को राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने मनोहर मनोज की पुस्तक अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन को नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लॉन्च किया। 215 वर्ष की अवधि में लिखी गई इस पुस्तक में भारत में भ्रष्टाचार पर विश्वकोश के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा को मंजूरी किन अनुच्छेदों के तहत दी है? दोस्तों मंत्रिमंडल ने अनुच्छेद 15 व 16 के तहत संशोधन करते हुए सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा को मंजूरी दी है। दोस्तों इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है और उनके पास 5 एकड़ तक की जमीन है। दोस्तों अनुच्छेद 15 और 16 के बारे में बता देता हूँ। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है, राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है, जिसमें धर्म, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी नई प्रशासनिक राजधानी पश्चिम में पश्चिम एशिया के सबसे बड़े गिरजाघर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों 7 जनवरी 2019 को मिस्र ने अपनी राजधानी काहिरा से 45 किलोमीटर दूर अपनी नई प्रशासनिक राजधानी में पश्चिम एशिया के सबसे बड़े गिरजाघर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों मिस्र की बात की जा रही है। तो दोस्तों मिस्र की राजधानी है काहिरा, यहाँ की राजभाषा है अरबी, यहाँ की मुद्रा है मिस्री पाउंड और मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी हैं। दोस्तों इस चर्च का क्या नाम है गिरजाघर का? तो याद कर लीजिएगा, कैथेड्रल ऑफ नेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की उपस्थिति में उद्घाटन भाषण दिया। इस वर्ष संवाद का विषय अ वर्ल्ड रिकॉर्डर, न्यू ज्योमेट्रीज, फ्लूड पार्टनरशिप, अनसर्टेन आउटकम्स है। तो दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिएगा, अ वर्ल्ड रिकॉर्डर, न्यू ज्योमेट्रीज, फ्लूड पार्टनरशिप, अनसर्टेन आउटकम्स इस वर्ष का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसओ ने वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने % बढ़ने के अनुमान लगाया? तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.2% बढ़ने का अनुमान लगाया है। दोस्तों वर्ष 2017-18 में 6.7% की विकास दर की तुलना में वर्ष 2018-19 में 7.2% बढ़ने का अनुमान। दोस्तों सीएसओ की बात की जा रही है। तो दोस्तों सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से दुनिया के पहले पूर्ण जैविक राज्य का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों हाल ही में सिक्किम को संयुक्त राष्ट्र की ओर से दुनिया के पहले पूर्ण जैविक राज्य का पुरस्कार मिला है। दोस्तों सिक्किम की बात की जा रही है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसका गठन 1975 में किया गया था। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग हैं। यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम में विधानसभा की 32 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 3 बार होप मैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में 3 बार होप मैन कप जीतने वाले खिलाड़ी रोजर फेडरर बने। दोस्तों रोजर फेडरर यह स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध टेनिस से है। दोस्तों होप मैन कप की बात की गई है, तो होप मैन कप यह हार्ड कोर्ट टेनिस में खेला जाता है। दोस्तों इसका आयोजन हर वर्ष दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। दोस्तों होप मैन कप की स्थापना 1989 में की गई थी और इसमें कुल 8 टीमें भाग लेती हैं।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में जितने भी 9 जनवरी 2019 से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते थे सब शामिल थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पास में लगी हुई घंटी को दबा दीजिएगा जिससे आपको डेली सुबह नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।